हे दोस्तों, ऑटो कंपेयर में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों हम कंपैरिजन लेके आए हैं डाटा एल्ट्रोस के एक्सेड ऑप्शन जिसकी कीमत है 8 लाख 11 लाख रुपीस को सीधा कंपेयर करेंगे बलिनो के 2022 मॉडल जेटा के साथ जिसकी कीमत है 8 लाख 9 थाउजेंड रुपीस। दोनों की कीमत की बात करूँ तो लगभग बिल्कुल सेम है, लेकिन जानेंगे आज की वीडियो में कौन सी गाड़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी डील देती है दोनों मॉडल्स के बीच में। सबसे पहले मैं डिज़ाइन की बात करूंगा। डिज़ाइन वाइज दोनों गाड़ी प्रीमियम हैचबैक है। जहाँ पर आप एल्ट्रोस की डिज़ाइन देखो, इस गाड़ी को बनाया गया है अल्फा आर्क आर्किटेक्चर पर और बलिनो को बनाया गया है हार्टेक प्लेटफॉर्म पर। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीन फैक्टर्स की अगर बात करें तो दोस्तों दोनों गाड़ियों की अब जो लंबाई है वो बिल्कुल सेम है 3990 में। चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई के मामले में जो एल्ट्रोस है वो 10 mm ज़्यादा चौड़ी है, और ऐसे ही अगर हम ऊंचाई की बात करते तो ऊंचाई के मामले में 23 mm ज़्यादा ऊंची है टाटा एल्ट्रोस। तो दोस्तों यार, अगर डिज़ाइन की बात करता हूं तो डिज़ाइन वाइज पर्टिकुलर डिज़ाइन सबको अपना अलग अलग पसंद आ रहा होगा। किसी को एल्ट्रोस खूबसूरत लगेगा तो किसी को बलिनो। आपको किसका डिज़ाइन ज़्यादा बेहतर लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बूट स्पेस आपको टाटा एल्ट्रोस में 345 लीटर्स का देखने को मिलता है, बलिनो में 318 लीटर्स का देखने को मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों गाड़ी में 165 mm का देखने को मिलता है, जो कि खराब रास्तों के लिए मेरे ख्याल से ठीक ठाक मैं से कह सकता हूँ। व्हील बेस दोस्तों आपको एल्ट्रोस में 2501 mm का और बलिनो में 2520 mm का, मतलब 19 mm का आपको एक्स्ट्रा व्हील बेस यहाँ पर आपको बलिनो में देखने को मिलता है। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूंगा दोस्तों, टाटा एल्ट्रोस में आपको 90 डिग्री का ओपनिंग डोर देखने को मिल जाता है जिसकी वजह से एंट्री और एग्जिट बहुत आसान हो जाती है, और कोई सामान भी रख सकते हो इसकी वजह से, तो एक प्रैक्टिकल फीचर मुझे ये लगा। इंजन्स की बात करूँ दोस्तों, टाटा एल्ट्रोस के एक्जेट ऑप्शन में देखने को मिलता है 1.2 लीटर का रेवेट्रॉन इंजन, जो कि 3 सिलेंडर का इंजन है। ये इंजन पावर जनरेट करती है 84 bhp का विद टॉर्क 113 Nm टॉर्क। गाड़ी में 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, 2 प्रकार के ड्राइविंग मोड और साथ ही साथ क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है। वहीं बात करता हूँ मारुति सुजुकी बलिनो की, दोस्तों मारुति सुजुकी बलिनो में दिया गया 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है। ये जो इंजन दोस्तों ये 4 सिलेंडर इंजन है जो कि बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। 88 bhp का पावर जनरेट करती है विद टॉर्क 113 Nm टॉर्क। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा कोई भी अतिरिक्त फीचर्स में नहीं दिए गए हैं, जैसे कि 2 ड्राइव मोड, क्रूज कंट्रोल नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे मैं इंजन वाइज बात करता हूँ कौन सा इंजन ज़्यादा पावरफुल है, तो डेफिनेटली 4 bhp के फर्क के साथ ही जो बलिनो है वो थोड़ी सी पावरफुल बनती है। और साथ ही बलिनो के इंजन में एक बहुत ही मुझे खासियत लगती है कि ये गाड़ी थोड़ी ज़्यादा रिफाइंड है। दोस्तों मेरे ख्याल से टाटा एल्ट्रोस में भी 4 सिलेंडर का इंजन का ऑप्शन आना चाहिए, जिसके से ये भी गाड़ी थोड़ी साइलेंट हो सके। ओवरऑल दोस्तों दोनों गाड़ी का इंजन बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर आपको एल्ट्रोस में फीचर्स देखने को मिलते हैं। माइलेज की बात करूँ, माइलेज वाइज दोस्तों यहाँ पर टाटा एल्ट्रोस का जो ARAI के वेरीफाई माइलेज है वो 19.05 km का है, जबकि बलिनो का जो माइलेज है वो 22.35 km का है। तो माइलेज के मामले में डेफिनेटली मारुति सुजुकी ने मार दी है बाजी इस बार, और इस बार बलिनो में आपको ज़्यादा एवरेज निकल आता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी हालांकि दोनों में 37 लीटर्स का इक्वल है। यहाँ पे मैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूँ तो देखो यार, टाटा एल्ट्रोस का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो 7 इंच का आइसलैंड टच स्क्रीन सिस्टम है, जो कि ऊपर तरफ उठा रहता है। एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले, 4 स्पीकर्स आते हैं। बलिनो की बात करूँ तो नया एंडी इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है, हालांकि जो स्पेसिफिकेशन है वो 7 इंच का है, एंड्रॉइड एप्पल 4 स्पीकर दोनों का सेम है, लेकिन बलिनो का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इस बार ऊपर की तरफ दिया गया है। और इंफोटेनमेंट सिस्टम वाइज बात करूँ तो किस गाड़ी का आपको डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। डैशबोर्ड डिज़ाइन सबका अलग अलग मैटर करता है, लेकिन हाँ बलिनो का डिज़ाइन इस बार ज़्यादा बेहतर लगता है मुझे। यहाँ पे बात करते हो फीचर वाइज, तो देखो यार फीचर वाइज सबसे पहले वो फीचर बताऊंगा जो कि दोनों गाड़ियों में सेम आते हैं, जैसे कि रियर एसी वेंट, वॉइस कंट्रोल, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, सीट नंबर सपोर्ट, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, स्मार्ट एक्सेस कार्ड एंट्री, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, कीलेस एंट्री एंड एसी हीटर। ये कुछ ऐसे फीचर है जो दोनों गाड़ियों में सेम है। कुछ एक्स्ट्रा फीचर की बात करूंगा जो कि दोनों गाड़ियों में एक दूसरे के विपरीत में एक्स्ट्रा दी गई है, तो दोस्तों इनका नाम है टाटा एल्ट्रोस में आपको ग्लव बॉक्स कूल देखने को मिलता है, दूसरा है टेलगेट अजार देखने को मिलता है, तीसरा है दोस्तों लेन चेंजिंग इंडिकेटर। ये 3 ऐसे फीचर हैं जो कि आपको एल्ट्रोस में एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों आते हैं सेफ्टी पे, तो यार सेफ्टी वाइज एज यू नो कौन जीतने वाला है। एल्ट्रोस गाड़ी को मिले हैं 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग, अल्फा आर्क आर्किटेक्चर पे आधारित गाड़ी है, भारत की सबसे सुरक्षित प्रीमियम हैचबैक है। वहीं मैं बलिनो की बात करूँ दोस्तों, जो पुरानी बलिनो थी इस गाड़ी को मिले थे 0 स्टार की सेफ्टी रेटिंग, हालांकि जो 2022 की नई बलिनो है इसकी अभी तक क्रैश टेस्ट नहीं हुई है, तो क्या सेफ्टी स्कोर है इसको कह पाना मुश्किल है। हालांकि जब भी होगी तो कमेंट बॉक्स में मैं आपको बता दूंगा, या फिर आप हमको फॉलो कर लीजिए कम्युनिटी टैब में भी मैं डाल देता हूँ। ओवरऑल अगर हम यहाँ पे सीधी सीधी बातों में कुछ फीचर्स के बारे में बताऊँ तो देखो यार, ABS, CVT, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, साइड एंड फ्रंट इंपैक्ट एंड रियर पार्किंग कैमरा दोनों गाड़ियों में दी जाती है। यहाँ पर आपको एल्ट्रोस में सिर्फ 2 एयरबैग्स देखने को मिलते हैं इस मॉडल में, जबकि बलिनो इस मामले में मुझे बहुत पसंद आई कि इसमें 6 एयरबैग दिए गए हैं।
तो हाँ, सेफ्टी में थोड़ा सा चलो कहीं तो बलिनो ने अपग्रेड किया अपने आप को, और यहाँ पे ओवरऑल जो बॉडी स्ट्रक्चर है उस मामले में एल्ट्रॉस ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है, और जो यहाँ पे बॉडी स्ट्रक्चर हार्टेक प्लेटफॉर्म है, अब इसकी क्रैश टेस्ट के इंतजार करना होगा, जैसा होगा यार आगे मालूम चलेगा सबको। अब देखो यार कंक्लूजन पे आते हैं, क्या एल्ट्रॉस बेहतर है या फिर बलिनो? तो देखो यार प्राइस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ तो एक एक सेगमेंट बताऊँगा, अगर आप मुझसे डिज़ाइन के आधार पर पूछोगे तो हाँ यहाँ पर मैं डिज़ाइन वाइज मेरे हिसाब से एल्ट्रॉस का डिज़ाइन मुझे ज़्यादा पसंद आता है। बलिनो का जो डिज़ाइन है ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन पर्सनली एल्ट्रॉस ज़्यादा आपको फ्यूचर की लुक देती है। इंजन वाइज दोस्तों नो डाउट यहाँ पे अगर मैं इंजन क्वालिटी की बात करता हूँ तो वो दोस्तों सुजुकी बलिनो में ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें 4 सिलेंडर का इंजन है जो कि ज़्यादा रिफाइंडनेस प्रोड्यूस करती है। माइलेज की बात करूँ तो माइलेज के मामले में बलिनो आगे निकल रही है डाटा एल्ट्रॉस से। इन्फोटेनमेंट वाइज सबका अपना अपना मैटर है, किसी को अंदर का ये पसंद आएगा तो किसी को ये पसंद आएगा। फीचर वाइज तो डेफिनेटली यहाँ पे टाटा एल्ट्रॉस आगे निकल रही है बलिनो से, क्योंकि क्रूज कंट्रोल, 2 ड्राइविंग मोड, ग्लव बॉक्स, कूलिंग, ट्रेल गेट हजार, लेंच इंडिकेटर, ये सारी फैक्टर्स में जो एल्ट्रॉस है वो आगे निकलती है। सेफ्टी वाइज नो डाउट कि यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, टाटा एल्ट्रॉस ने बाजी मार ली है। हालांकि जब इनका बाजी मराएगा मतलब बलिनो का जब भी क्रैश टेस्ट आएगा तो मालूम चलेगा कि क्या है ये गाड़ी। दोस्तों कंक्लूजन पे आते हैं, दोस्तों मैंने आपको हर एक सेगमेंट पे बता दिया है कि इस गाड़ी में कौन सा बेहतर है, तो ओवरऑल दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी ज़रूरत के अनुसार आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर लगती है। और भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारा चैनल ऑटो कंपेयर को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।